अभी जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तर प्रदेश में, ये सब लोग आपके साथ काम किए हुए हैं नेताजी की सरकारों में या अखिलेश जी की सरकार में? और ये मैं कह ही चुका, जब आप सरकार में होते थे सपा की सरकार में, तो आप भी सरकार ही होते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते थे और जनता भी जानती थी, तो सबको आप जानते हो, सब आपको जानते हैं। अब जब वो सब सुनेंगे कि शिवपाल जी कह रहे कि सारा मसला यही है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही और भ्रष्टाचार कर रही, तो सब आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे झंडा लेके, शिवपाल जी जी। अब मैंने तो देखा है अवतार जी, मैंने तो देखा है मेरे साथ तो अधिकारियों ने इतना काम किया है, जो मेरे साथ थे नेताजी के साथ थे पूरा काम करते थे और समय से काम करते थे, तभी विकास का काम होता था। लेकिन इस समय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ दिन रात काम करते थे अधिकारी लोग जी, और इस समय काम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों काम नहीं कर रहे। अच्छा, कोई आप सलाह देंगे मुख्यमंत्री के लिए कि भाई क्या किया जाए ताकि और गति से काम हो, अपने तजुर्बे से? देखिए, मैंने यही कहा कि जो पॉजिटिव सोच के अधिकारी हैं और पॉजिटिव सोच बनाना चाहिए, उन्हें ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए कि अधिकारियों का पॉजिटिव सोच हो, और जो भी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री बनते हैं उनका भी सोच पॉजिटिव होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेही है, मंत्रियों की जवाबदेही होती है, सरकार की जवाबदेही होती है जी। तो देखिए, जो जनता के बीच में वादे करके आते हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाते हैं फिर तो वो तो अक्षम साबित हो। नहीं तो क्या शिवपाल जी, क्या आप ये कह रहे हो कि मंत्री भी ब्यूरोक्रेसी की तरह निगेटिव सोच के हैं, ऐसा करें आप? हाँ, देखिए, मंत्रियों का भी सोच होना चाहिए, ईमानदारी का सोच होना चाहिए, और देखिए अधिकारियों को भी भरोसा होना चाहिए, मंत्री पर भरोसा होना चाहिए। अगर कहीं पर देखिए, जब मैंने एक बार, आपको याद होगा, अधिकारियों की मैं मीटिंग ले रहा था, अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए थे कि वही काम करिए और बजट का सीधा सीधा सदुपयोग होना चाहिए। अगर कहीं पर भी जब कोई अधिकारी काम करता है तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, और जो अधिकारी काम नहीं करेगा तो उससे तो कोई गलती नहीं होगी। अगर काम मेहनत करता है, पूरी ताकत से काम करता है, तो कहीं न कहीं चूक होती है, तो उस पर थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, अधिकारियों पर भी फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। जब तक देखिए अधिकारियों को अपने मंत्री पर भरोसा नहीं होता है ना, दोनों तरफ से भरोसा होना चाहिए, मंत्री को अधिकारी पर होना चाहिए, अधिकारी को मंत्री पर होना चाहिए, तब काम होता है शिवपाल जी। लेकिन मुझे तो लगता है कि आजकल के देखिए मंत्रियों, एक मेरा तजुर्बा है, मंत्रियों का भी काम करने का सोच अच्छा नहीं। एक मेरा तजुर्बा है ब्यूरोक्रेसी को लेके, ब्यूरोक्रेसी उसी मंत्री पर भरोसा करती है जिसके बारे में वो इस बात को लेके मुतमईन, मतलब श्योर होती है कि मंत्री कद्दावर है। जब तक ब्यूरोक्रेसी को ये लगता है कि मंत्री का कद उतना बड़ा नहीं है, तब तक शायद भरोसे का रिश्ता कायम नहीं होता। शिवपाल जी क्या कहेंगे? जी, तो कद्दावर बनना चाहिए और खुद मंत्री को अपनी काबिलियत दिखाना पड़ेगी, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी जी। जब तक देखिए ईमानदारी और काबिलियत और सोच बड़ा होना चाहिए जी। देखिए, सरकार और जो प्रदेश का राजा होता है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ने मोदी जी से कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए जी, गुजरात दंगे के बाद जी,
क्योंकि देखिए प्रजातंत्र में, जी जी तो प्रजातंत्र में प्रजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, राजा को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये सोच बड़ा होना चाहिए जी। अगर प्रदेश की कुर्सी मिली है तो सोच बड़ा होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री है। मंत्री अगर किसी ने सफल ली है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के विकास की सफल ली है, ईमानदारी की सफल ली है। लेकिन शपथ तो ले लेते हैं, उसके बाद वो शपथ का कोई पालन नहीं करते हैं जी। तो पालन करना चाहिए उस शपथ जो लेते हैं उसका, पूरा का पूरा मंत्री को और सरकार के लोगों को पालन करना चाहिए। अपने को कद्दावर तभी बनेंगे जब उनका नहीं, कद्दावर बनना बड़ा मुश्किल काम भी है शिवपाल जी, इतना सरल भी नहीं है।